तो राहुल गांधी का ईडी के सवालों से सामना। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज दूसरे दिन भी पूछताछ जारी रही। आज भी राहुल गांधी से दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये अब तक का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार ईडी जो है सवालों की बौछार राहुल गांधी से कर रही है। कल भी लगभग दो राउंड में कुल 8.5 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ हुई और आज एक बार फिर से सुबह से ही ईडी के दफ्तर थे राहुल गांधी और लंच ब्रेक हुआ। लेकिन अब जो अपडेट है, लंच ब्रेक के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी जो है ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार ने हमें यह बताया था कि किस तरीके से देर यहां पर लग रही है और वजह यह है कि जो सवालों के जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं ईडी के अधिकारियों को, उन्हें लिखकर भी देना पड़ रहा है, तो ऐसे में वक्त लगना लाजमी है और इसी वजह से ये जो कार्रवाई है ईडी द्वारा, अधिकारियों द्वारा राहुल गांधी से जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, तो इसमें इतना वक्त लग रहा है क्योंकि जो सवालों के जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं उन्हें लिखकर भी देना पड़ रहा है। तो आज भी दूसरे दिन दूसरे राउंड की जो पूछताछ है, जो सवाल है, वो शुरू हो चुके हैं। ईडी के दफ्तर पहुंच गए हैं राहुल गांधी। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ लगातार जारी है। दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हो गई है लेकिन कांग्रेस हल्ला बोलती हुई सड़कों पर नजर आ रही है।